नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे सुबह की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दो विधानसभाओं के दो गांव में विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दो गांवों का चयन किया गया है। इसमें रोहनिया विधानसभा में परमपुर गाँव और सेवापुरी विधानसभा में पूरे बरियापुर गाँव शामिल है। इस आशय का पत्र जिला प्रशासन के पास आ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना निदेशक उमेश शुमनी त्रिपाठी के प्रस्ताव रखे गए थे और उससे पहले ये प्रस्ताव को भेजा गया है। कोरोना के चलते इस पर कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब वहां से पत्र मिलने के बाद सीएसआर फंड से विकास कार्य होंगे। सभी विभाग सरकार की योजनाओं से गांव को संतृप्त करेंगे। इससे गांव की सभी समस्याओं का समाधान होगा और ब्लॉक के परमपुर और सेवापुरी ब्लॉक के पूरे बरियार गांव को पीएम मोदी के गोद लेने की सूचना पर ग्रामीणों में खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। इन गांवों में विकास की आस जग गई है। गांव को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। बीते 6 महीने पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। घोषणा होते ही जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, राज्य मंत्री अनिल राजभर सहित भाजपा नेताओं ने गाँव में घूमकर दो एजेंसियों के माध्यम से गाँव का सर्वे भी कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद क्षेत्र वाराणसी, जहां पर दो गांवों को गोद लिया गया है, अब उनकी आधुनिकता को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम लाखों का गबन, जिलाधिकारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल पीलीभीत में आंगनबाड़ी निर्माण के नाम पर सरकारी पैसे का गबन करने वाले घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां मौके से आंगनबाड़ी केंद्र गायब मिला और उसके निर्माण के नाम पर तत्कालीन ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक सहित तत्कालीन सहायक तकनीक सहित सचिव ने तकरीबन 7 लाख रुपए का गबन कर लिया, जिसका खुलासा सीडीओ और खंड विकास अधिकारी की जांच के बाद हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर 4 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला थाना पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर घाटमपुर गांव का है। दरअसल पुरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शहबाजपुर में 2018 से 19 में जिले के करीब 80 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना था, जिसको लेकर तत्कालीन ग्राम प्रधान कमलजीत कौर, तत्कालीन पंचायत सचिव अशोक कटिया, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक अजय भारती सहित रोजगार सेवक बच्चू सिंह ने मौके पर आंगनबाड़ी निर्माण न करवाकर 4,84,000 रुपए भवन निर्माण सहित 2 लाख रुपए मनरेगा मजदूरों का फर्जी तरीके से मस्टर रोल भरकर कुल 6 लाख से ज्यादा सरकारी धनराशि का गबन कर दिया है, जिसे लेकर स्थानीय खंड विकास अधिकारी सहित 6 सदस्य टीम ने जांच के दौरान रिपोर्ट पेश करने के बाद जिलाधिकारी पुलकित खरे के आदेश पर आरोपी ग्राम प्रधान सहित तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर लाखों का गबन किया गया है। जिला अधिकारी की तहरीर पर अभी एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। तमाम नाम इसमें शामिल है। योगी सरकार प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 5 लाख प्रति वर्ष तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देगी। जी हां, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के 1,30,55,710 लोगों को योजना का लाभ मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को पीएम जन आरोग्य योजना शुरू हुई थी। इसके तहत पात्रता सूची में चिन्हित 1.18 करोड़ परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल रहा था, लेकिन बहुत से लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने योजना से वंचित 8.43 लाख परिवारों को अपने स्तर से 2019 में सीएम जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत योजना का लाभ देने के बात कही गई थी और दोनों योजनाओं में मिलाकर अब तक 6.32 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल भी रही है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को इससे जोड़ने का फैसला ले लिया है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों का डाटा जुड़ने से प्रदेश के 1.67 करोड़ परिवारों के 7.62 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।
खाद्य और रसद विभाग से उपलब्ध अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची को हर 6 महीने में अपडेट भी किया जाएगा, जिससे कोई भी पात्र योजना से वंचित न रह सके। तो योगी सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में सामने आया है, जहां अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा देने की बात कही गई है। तो इसमें करीब 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं जिन्हें इलाज मिल रहा था, और अब भी कई लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। बनारस कोर्ट में ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अदालती लड़ाई चल रही है। इस बीच सावन के ठीक पहले मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ को एक बड़ी सौगात दे दी है। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद से सटी 1700 स्क्वायर फीट जमीन मंदिर प्रशासन को दे दी है। हालांकि जमीन के बदले मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दूसरी जगह दे दी है। मुस्लिम पक्ष के लिए फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जमीन ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने की है। मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्षकारों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन की मांग की थी। उनकी अपील पर मुस्लिम पक्षकार एकमत हुए और बीती 8 जुलाई को इस जमीन की बकायदा रजिस्ट्री की गई। इस जमीन पर 1993 के बाद से अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया था। 1993 से इस जमीन पर लीज पर मंदिर का कंट्रोल रूम बना हुआ था, लेकिन अब जाकर पूर्ण रूप से यह हिस्सा मंदिर के नाम कर दिया गया है। इस बारे में अंजुम इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएम यासिन ने बताया है कि पहले इस प्लॉट को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहां पर कंट्रोल रूम बनाने के लिए दिया था, लेकिन अब जब कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है तो ऐसे में जमीन की जरूरत मंदिर पक्ष को पड़ी, क्योंकि रास्ता भी बहुत संकरा था, जिसको लेकर वाराणसी प्रशासन ने कई बार बात की, जिसके बाद खुद उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर बात की। बातचीत में भी करीब 2 साल का वक्त लग गया। सब जगह से परमिशन लेने के बाद आखिरकार ये बहुत बड़ा फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लिया गया है। जी हाँ, मुस्लिम पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ को ये बड़ी सौगात दे दी है। हालांकि इसके बदले जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने भी 1000 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो मस्जिद के नाम की है। तो आपसे सौहार्द यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिला है। हालांकि वक्त बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बाबा विश्वनाथ के लिए मानी जा रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर रास्ते की जरूरत थी, और जिसके बाद यही एक रास्ता था जो सीधे काशी विश्वनाथ को जोड़ता था। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला, करीब 1500 स्क्वायर फीट की जमीन मुस्लिम पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ को दे दी है। अब यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से खुला जाएगा, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा घूम के जाने की जरूरत ना पड़े। जो भी श्रद्धालु, जो भी यात्री यहाँ पहुंचते हैं, उन्हें सीधे और आसान रास्ते मिल सके। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। उन्होंने उस बजट को पेश किए जाने के 30 साल पूरे होने के मौके पर कहा, 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मनमोहन सिंह आगे कहते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियों का सृजन हुआ। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना शुरू हुई, जिसका परिणाम ये है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। उनके मुताबिक 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उस आर्थिक संकट की वजह से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था, लेकिन यह सिर्फ संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं था। समृद्धि की इच्छा, अपनी क्षमताओं में विश्वास और अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई थी। तो आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से चेताया है। उन्होंने कहा है कि 30 साल पहले के मुकाबले अब व्यवस्थाएं काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन उसी तर्ज पर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो 1991 से लेकर अब तक 30 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मनमोहन सिंह ने ये ट्वीट किया है और अर्थव्यवस्था को लेकर चेताया भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शिलांग के 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दा पर भी चर्चा हो सकती है, ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। इसके अलावा मेघालय प्रवास के दौरान शाह के कुछ अधिकारी कार्यक्रम भी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शाह पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ शनिवार को यानी कि आज बैठक करेंगे, जिसमें क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। असम का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद है। अमित शाह के कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि वो शिलांग के बाहरी इलाकों में स्थित अंतर्राज्य बस टर्मिनल और न्यू शिलांग शहर में क्रायोजेनिक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविवार को सोहरा का भी दौरा करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और वहां रामकृष्ण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। सोहरा शिलांग से 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यहां से बांग्लादेश के मैदानी हिस्से स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 30 मिनट की बैठक करेंगे, या वो उनकी समस्याओं को भी सुन सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलांग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, यहां वो तमाम मुख्य सचिवों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, साथ ही साथ जो विवाद वहां पर बना हुआ है इन सभी राज्यों में उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो अधिकारियों के साथ और पुलिस के जो उच्च अधिकारी उनके साथ भी बैठक हो सकती है। 2 दिन शिलांग में ही रहेंगे अमित शाह, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिसंबर 2021 तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते वैक्सीनेशन की कोई तय समय सीमा देना ठीक नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक लिखित सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। ये पहली बार होगा जब सरकार ने माना है कि टीकाकरण को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। इस साल से अंत, हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज मिल जाए। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वहीं ये भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन कंपनियों ने एग्रीमेंट समय पर किए हैं और इसके लिए एडवांस पेमेंट भी की गई है। साथ ही साथ अब करीब करोड़ों रुपए टीकाकरण पर खर्च किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। राहुल गांधी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सदन में भी और सड़क पर भी आवाज उठाते आए हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये वादा किया जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज उपलब्ध होगी। लेकिन तमाम राज्य ऐसे हैं जो हाथ खड़े कर चुके हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास वैक्सीन की डोज नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष को मौका मिलता है केंद्र सरकार को घेरने का। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगस्त से सितंबर के बीच हमारी पूरी कोशिश है कि दोनों डोज जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों को मिल जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का स्वरूप बदल रहा है उससे वैक्सीनेशन में मुश्किल आ सकती है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे के बयान में कहा गया कि विस्तृत अभ्यास और उद्योगपतियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में PPP के लिए बोलियां 23 जुलाई 2021 को शुरू कर दी गई थी।
सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत में विश्व स्तरीय ट्रेनें चलाने का ये एक बिल्कुल नया प्रयास है। रेल मंत्रालय को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लगभग 7,200 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 40 आधुनिक रैक के साथ 29 जोड़ी ट्रेनों के संचालन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसमें कहा गया है, रेल मंत्रालय तेजी से मूल्यांकन पूरा करेगा और बोलियों पर फैसला करेगा। शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल ने पीपीपी मोड के माध्यम से 12 क्लस्टर से अधिक 151 ट्रेनों को शामिल करने के लिए निजी भागीदारी के लिए बोली आमंत्रित की है। तो ये बहुत बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया जा रहा है, भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया। तो सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों ने इसमें पूरी तरह से दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बोलियां लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों ने काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे के बयान में कहा गया कि विस्तृत अभ्यास उद्योगपतियों के साथ कई दौर की चर्चा हो चुकी है और 23 जुलाई से इसकी बोलियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बीएल संतोष ने जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने को कहा है। संतोष ने यहां पार्टी मुख्यालय में पूर्व विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों को इस बात से अवगत कराया। संतोष ने कहा कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद अगला कदम विधानसभा चुनाव होगा और हमें चुनाव लड़ने और शानदार बहुमत हासिल करने के लिए तैयार होना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आखिरकार कमर कसी ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश में बीजेपी सरकार लाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से विधानसभा के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। बीएल संतोष ने प्रदेश मुख्यालय त्रिकुटा नगर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। इसे लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कमर कसने को कहा है। बीएल संतोष द्वारा ली गई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खुद जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। कल भी इस चीज को लेकर बैठक हुई है, तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो बूथ स्तर से लेकर तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में श्रीलंका की टीम ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि सीरीज में भारत ने पहले ही 2 मैच लगातार जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था। इस सीरीज में शिखर धवन कप्तानी कर रहे थे। बतौर कप्तानी धवन ने अपने पहले ही सीरीज में जीत दर्ज की है। कोलंबो के आर पेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.1 ओवर में 225 रन पर सिमट गई। बारिश से बाधित इस मैच में डीएलएस नियमित के तहत श्रीलंकाई टीम को 47 ओवर में 227 रनों का लक्ष्य मिला। 227 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को पहला झटका विनोद भानुका के तौर पर बहुत जल्दी लग गया। वो 7 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जिस समय भानुका आउट हुए उस वक्त श्रीलंकाई टीम का स्कोर 35 था। वहीं कृष्णप्पा गौतम के शिकार बने। इसके बाद अविष्का फर्नांडो और भानुका राजपक्षा ने संयमित अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 109 रनों की पारी खेली। राजपक्षा ने 56 गेंदों की पारी में शानदार 65 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। राजपक्षा को चेतन सकारी ने अपना शिकार बनाया। चेतन अपना पहला मैच वनडे मैच खेल रहे थे। इसके बाद धनंजय डी सिल्वा ने 2 रन, जबकि चरित अलासांका ने 24 रन और कप्तान दासुना शनाका बिना खाता खोले जल्दी जल्दी ही पवेलियन लौटते हुए नजर आए। तो भारत ने सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर ली थी, लेकिन तीसरा और जो आखिरी वनडे था वो भारत हारती हुई नजर आई। देश में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों को बेहद जरूरत होने पर ही कार्यालय में फोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक कार्यालय में काम के दौरान मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही लैंडलाइन फोन को जल्द ज्यादा बेहतर बताया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन की जगह बातचीत के लिए SMS भेजने को तरजीह देने का लगा है। इसके अलावा कार्यालय में कामकाज के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम से कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी फोन कॉल्स पर बातचीत कार्यालय से बाहर करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों संसद और सड़क पर लगातार पेगासस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फरमान सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो भी कार्यालय में कर्मचारी आते हैं वो निजी कॉल्स का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, लैंडलाइन का इस्तेमाल करें और कोई भी बातचीत करनी है तो SMS का ज्यादा इस्तेमाल करें और फोन का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी ज्यादा देर तक ना रहें। तो पेगासस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान अपने कर्मचारियों को दिया है और निर्देश दिया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो कार्यालय के अंदर कम से कम करेंगे, लैंडलाइन का इस्तेमाल करेंगे, बातचीत के लिए SMS का इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ जो निजी कॉल्स होंगी वो कार्यालय के बाहर ही अटेंड करनी होगी और जितनी देर तक आप कार्यालय में रहते हैं तो आपको सोशल मीडिया का भी ना के बराबर इस्तेमाल करना है। महाराष्ट्र में पिछले दो दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं और भूस्खलन में 129 लोगों की जान चली गई है, जबकि पुणे मंडल के तहत 84,000 से ज्यादा लोगों को शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, क्योंकि राज्य में भारी बारिश का कहर जारी है। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे जिले में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते 84,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें 40,000 से ज्यादा लोग कोल्हापुर जिले के हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोल्हापुर शहर के पास पंचगंगा नदी 2019 में आई बाढ़ के स्तर से भी ऊपर बह रही है। पुणे और कोल्हापुर के साथ ही मंडल में सांगली और सतारा जिले भी आते हैं। सतारा भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 38 लोगों की मौत तटीय रायगढ़ जिले में भूस्खलन होने से हुई। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार शाम सतारा जिले के लिए एक नया रेड अलर्ट जारी कर अगले 24 घंटे में जिले के पर्वतीय घाट इलाके में अत्यधिक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जहां भूस्खलन के बाद करीब 30 लोग लापता हैं। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोल्हापुर जिले में एक बस के एक नदी में बहने से ठीक पहले उस पर सवार 8 नेपाली श्रमिकों समेत 11 लोगों को बचा लिया गया था। तो महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और लगातार जो लोगों की मौत का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र में करीब 84,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ब्रिज, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूबते हुए पानी में नजर आ रहे हैं। भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, महाराष्ट्र की स्थिति है कि गाड़ियां पूरी तरह से डूब रही हैं, फुटओवर ब्रिज पूरी तरह से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 129 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। यहां 8 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। करीब 9,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सरकार ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गोवा में भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद आई बाढ़ से संबंधित घटना में एक महिला की मौत हो गई है। करीब 1,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैकड़ों लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये बाढ़ राज्य में पिछले 40 साल में आई प्रलयकारी बाढ़ में से एक है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अलग अलग स्थानों के लिए भारी बारिश का पुनर्वन लगाते हुए अलर्ट जारी किया है और तेलंगाना में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हाल है। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर सिर्फ छींटे ही पड़े हैं। हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश से पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश तबाही बनकर लोगों पर कहर बनकर टूटती हुई नजर आ रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।